अगली खबर उज्जैन से आ रही है, जहां विक्रम विश्वविद्यालय में बुधवार को कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदेश शासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा, विश्वविद्यालय में होने वाली सीधी भर्ती और आउटसोर्स से कर्मचारी रखने का विरोध किया जाएगा। विश्वविद्यालय पहले स्थायी कर्मियों को नियमित करे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 28 दिसंबर को कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर विरोध जताया। विक्रम विश्वविद्यालय में कर्मचारी सुबह पहुंचे थे, लेकिन कामकाज नहीं किया। मुख्य प्रशासनिक भवन के बाहर एकत्रित होकर रैली निकालकर नारेबाजी की। यहां पर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने एक वर्ष पहले कर्मचारियों को स्थायी करने का झुंझुना थमा दिया था, लेकिन वेतन नहीं दिया। विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती और आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी रखने की तैयारी की जा रही है। जोशी ने कहा, कर्मचारी संघ ऐसी भर्ती का विरोध करता है, पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया जाएगा। कर्मचारियों के बीच पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी पहुंचे थे। विक्रम विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश लेने से सुबह से विभागों के ताले नहीं खुले, वहीं कामकाज भी नहीं हुआ। ऐसे में हड़ताल होने की जानकारी नहीं होने से विश्वविद्यालय काम के लिए पहुंचे विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ा। हालांकि अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन कर्मचारियों के बिना काम नहीं कर सके। गौरतलब है कि सोमवार को ही कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे से मिलकर सामूहिक अवकाश पर जाने की सूचना दे दी थी। अनेक तरह के रास्ते निकाल रहे हैं कि हम आउटसोर्सिंग से भरेंगे, सीधी भर्ती से भरेंगे, तो हमारा कर्मचारी संघ इसका पुरजोर विरोध करता है कि चाहे जो भी हो जाओ, लेकिन हम बाहर की भर्ती नहीं होने देंगे। जब तक हमारे विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी हैं जो नियमित, उनको जब तक नियमित वेतन हम नहीं देंगे या जो रिक्त पदों पर उनको परमानेंट नहीं करेंगे, तब तक हम सीधी भर्ती नहीं होने देंगे पूरे मध्य प्रदेश में। स्थायी कर्मी करने से क्या मतलब है? अरे आप हम किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दो एक कर्मचारी को, या देश का प्रधानमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, जब तक उसको पेंशन नहीं दोगे उस पद को क्या चाटेंगे हम लोग? क्या करेंगे स्थायी कर्मी को? स्थायी कर्मी का कोई भविष्य नहीं है।